जी हाँ, ये दरिंदगी कब तक? क्योंकि शर्म आती है ऐसे देश में जहां पर सरकार और प्रशासन की कोशिशों के बावजूद महिलाओं के साथ में उत्पीड़न और उनके साथ दरिंदगी वाली खबरें रुकती नहीं है। शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो लोग सियासत में होते हुए भी राजनीतिक गलियारों से ताल्लुक रखते हुए ये कहते हैं कि साहब लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। शर्म आती है ऐसे बयानों पर जिनके दावे और वादे तो बड़े बड़े होते हैं मगर जब जमीनी स्तर पर हकीकत देखी जाती है तो फिर लगता है कि साहब महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, चाहे देश के राज्यों की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें। इस मामले में आकर के महिलाओं के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे हैं, खोखली बातें हैं और सिर्फ ऐसी ही जबानी जुमले और जबानी हंगामे की तस्वीरें सामने आती हैं जो सिर्फ कहीं ना कहीं ढकोसले से ज्यादा और कुछ नहीं होती है। आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से, आगरा से लेकर के, कानपुर से लेकर, मुरादाबाद से लेकर के, अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जिसने एक बार फिर से शर्मसार कर दिया। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब निर्भया कांड के बाद से लेकर के हैदराबाद के बलात्कार और जिंदा जलाने के मामले से लेकर के उन्नाव की रेप पीड़िता और फिर इस बीच में न जाने कितनी ऐसी तस्वीरें सामने आई, मगर वही रटाई रटाए जुमले, वही बातें, वही दावे जो सब कुछ बेकार बस खोखले से हैं। आज हम इसी पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं कि आखिर क्या सरकारों के, प्रशासन के, पुलिस के दावे सिर्फ जबानी होते हैं? जमीनी स्तर पर आखिर वो सारी चीजें देखने को क्यों नहीं मिलती हैं? मगर उससे पहले आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं जो शर्मसार करने वाली है। शर्मिंदा है यूपी, शर्मिंदा है यूपी के वासी, क्योंकि दरिंदों ने यूपी के दामन पर फिर से दाग लगाया। शर्मिंदा है क्योंकि शहर शहर में छिपे शैतानों ने बेटियों की आबरू को भेड़ियों की तरह नोच लिया। यह कलंक कथा है ताज नगरी आगरा की, वो आगरा जो मोहब्बत की मिसाल है। वहां की काली रातों में सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें डराती हैं। तस्वीरें 21-22 दिसंबर की उस दरमियानी रात की हैं जब मानसिक रूप से कमजोर लड़की पर भी दरिंदों को रहम नहीं आया। उस मजबूर के साथ ऐसी क्रूरता की कि उस लड़की ने दम तोड़ दिया। फुटेज एरिया के चेक करने के बाद, सीसीटीवी फुटेज रेलवे स्टेशन के बाद चेक करने के बाद एक व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ था, उसको थाना एतमाद दोनों टीम ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया गया है। उस महिला की अभी मौत हो चुकी है, बॉडी पीएम के लिए भेजी गई है। आगरा की यह वारदात शहर शहर की स्याह सच्चाई बयां कर रही है, लेकिन शर्मिंदा सिर्फ आगरा ही नहीं है। वाराणसी के माथे पर इस काली सच्चाई का कलंक लगा है, जहां रेप जैसी वारदात पर पुलिस की कार्रवाई ना करने से परेशान एक परिवार अपनी जान देने पर मजबूर हो गया। पुलिस की कार्यशैली से आहत परिवार ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। मामला ये हुआ कि ये परिवार बहुत दिनों से प्रताड़ित है और पुलिस प्रताड़ना से अजीज आकर के ये कई दिनों से हमसे कह रहे थे कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, मैं ये कर लूंगा, मैं जहर खा लूंगा, और आज उसी घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, परिवार सहित जहर। यूपी में दरिंदगी की ये कोई एक आध वारदात नहीं, बीते दिनों के अंदर मऊ, मुरादाबाद, उन्नाव जैसे बेशुमार शहरों में इंसानी रूप में छिपे भेड़ियों ने यूपी को शर्मिंदा किया। सरकार ऐसे भेड़ियों को सबक सिखाने और ऐसी दरिंदगी पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है, मगर जिस खाकी के सहारे सरकार महिलाओं को बेहतर माहौल देने की कोशिश करती है, उस खाकी की करतूतें सरकार का भी सिर झुका रही हैं। शायद यही वजह है कि बेटियां पूछने को मजबूर हैं कि कब तक बेखौफ भेड़िए बेटियों की आबरू को यूं ही लूटते रहेंगे। कब तक बेटियां डर की बेड़ियों में जकड़ी रहेंगी और कब तक दरिंदे कानून से यूं ही खेलते रहेंगे, जरा सोचिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी।
तो ये तस्वीरें जो ये दिखाती हैं कि सरकारों के नाकारापन, निकम्मापन और पुलिस प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार इस नजरिए से, क्योंकि जब एक रेप पीड़िता जाती है एफआईआर दर्ज कराने के लिए तो फिर एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती, मजबूर होकर के उस रेप पीड़िता और परिवार वालों को आत्महत्या करने की कोशिश करनी पड़ती है। जब मीडिया में खबर आती है उसके बाद में जाकर के कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू होता है। कैसे समाज में जी रहे हैं हम, आज हम इसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं। हम इस वक्त आरआई टीवी की वो सवाल आपके सामने रखते हैं जिसकी बुनियाद पर, जिसके इर्द गिर्द हम इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। सरकार की कोशिशों के बावजूद वारदात पर लगाम क्यों नहीं लगता? दूसरा सवाल ये कि क्या पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम है? अगर ऐसा है तो क्यों, इसकी वजह क्या है? साथ ही साथ में अपराधियों में कानून का डर क्या खत्म हो चुका है? क्यों नहीं अपराधियों के अंदर कानून का डर? कहां है महिलाओं के हिफाजत के जिम्मेदार और सिर्फ बयानबाजी के सहारे ही लोगों में अच्छी इमेज तलाशते हैं? कब तक हैवानों से डरती रहेंगी हमारी ये बेटियां? हमारे साथ कई सारे खास मेहमान इस वक्त इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं, क्योंकि ये चर्चा बहुत संवेदनशील है, क्योंकि बार बार ऐसी तस्वीरें ऐसी खबरें सामने आती है लेकिन इन तमाम चीजों पर अंकुश नहीं लगता है। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर अनिल गोयल साहब जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे मनोज तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, साथ में हमारे साथ में रमेश ठाकुर जी जो कि बताएंगे कि आखिर इन तमाम चीजों के पीछे की असली वजह क्या है। प्रियमदा तोमर जी हैं सदस्य महिला आयोग के, हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक शाह जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं, साथ में प्रियंका राणा जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जो कि कई सारे केसेस को अक्सर उन लोगों के साथ में जाकर के जद्दोजहद करते हुए सड़कों पर देखते हैं। ओपी सागर साहब हैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं जो पुलिसिया कार्यशैली को भी बताएंगे कि आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों आ जाती है कि पीड़िता को ही मजबूर होना पड़ता है आत्मदाह करने के लिए। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुनील कौशिक जी हैं, अक्सर आप इनको टीवी डिबेट में देखते हैं। सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। और शुरुआत में अनिल गोयल जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, क्योंकि केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर तक दोनों ही जगहों पर आपकी सरकार है, आखिर क्या इसी तरीके से महिलाओं को, बच्चियों को, मासूमों को, यहां तक के जो मानसिक तौर पर जो लोग मजबूर होते हैं उनके साथ भी यह हैवानियत होती है? वादा तो था कि साहब महिलाएं 12 बजे रात में भी सुरक्षित होकर निकलेंगी, कोई खतरा उनको नहीं होगा, ऐसा क्यों है सर? नहीं, जो बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सही बात यह है कि जो भी अपराधी हैं उनके साथ कहीं भी कोई रियायत नहीं होती। यहाँ तक कि जो हमारा विधायक भाजपा से विधायक था सेंगर, उसको भी जेल में जाना पड़ा। आप ये बात देखें कि कितनी दो साल लग गए आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में सर दो साल लग गए हैं पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में, कैसे ये मान लिया जाए कि सरकार संवेदनशील है? सरकार सबकी संवेदनशील यही दिखाई देती है। और दूसरी बात, आपने एक बात और देखी होगी कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी ने एक वर्ड कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पिछली बीमारी है उस पिछली बीमारी को ठीक होने में समय लेगा। आज आवश्यकता है समाज में जागरूकता की। बीमारियों को तो आप अपनी पार्टी में ले लेते हैं। प्रियंका जी नहीं, माफ कीजिएगा, अभी यहाँ पे आप इतने संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति ले आते हैं तो बोलना तो पड़ेगा ना महिलाओं को। प्रियंका जी मेरा आप दर्द नहीं समझते हैं उन महिलाओं का जो बार बार जिनके साथ बलात्कार होता है, एक बार नहीं होता है, आप समझ लीजिए इस बात को। आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर का नाम ले रहे हैं, आपके खुद के साक्षी महाराज जी ट्वीट करते हैं, उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं एक बलात्कार के आरोपी के लिए। एक नजीर तो सेट करना पड़ेगा ना अनिल गोयल जी, एक नजीर सेट करना पड़ेगा। जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगाइयों को जिन लोगों ने हिंसा भड़काई सड़कों पर उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएंगी, आखिर खौफ क्यों नहीं है इन अपराधियों के दिलो दिमाग में, कानून का, पुलिस का, सरकार का? बिल्कुल खौफ होना चाहिए, सरकार पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प है और किसी को भी रियायत देने के मूड में नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमको सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। हम कहीं ना कहीं सारा ठीक रहा सर, सामाजिक जागरूकता पर ही मत छोड़ दीजिए, सरकारें तो अपनी जिम्मेदारी निभाए ना, पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी तो निभाए ना। मगर अशोक शाह जी कैसे आप नजीर कायम कर सकेंगे जब अगर राजनेता ये कहते नजर आए कि साहब लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं? देखिए अभी तो मैं सुनील गोयल जी को ही जवाब दे दूं कि जिन्होंने अभी कहे थे कि सिंगर जी के अपने विधायक जी के बारे में इनको पता नहीं होना चाहिए, यदि उस टाइम आते वक्त उन कार्रवाई हो गई होती, दो साल नहीं होता तो उन लड़की को पिताजी गुजर जा, उनके पिताजी बच जाते। मैं बता देना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से वो सजा हुआ है, तो मीडिया के माध्यम से हुआ है, आम पब्लिक के माध्यम से हुआ है। आपने तो पूरा प्रशासन ने उनको बचाने का काम किया और
प्रताड़ित किया गया उस महिलाओं को, उसके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया। हमने सजा दी है, मैं आपने उसे पना दिया, नहीं नहीं सजा तो बाद में दी है, इन्होंने मीडिया ने उठाया और जनता ने उठाया। मैं आप गलती में हो, मैं ठीक है गोयल जी, ठीक है ठीक है ठीक है, कैसे मुझे 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 किसी मगर ये जो आंकड़े मैं आप दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा, ये जो आंकड़े इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एक सेकंड अनिल जी और अशोक जी एक सेकंड, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। ये जो आंकड़े हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से हमारे राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। बीजेपी के 10 सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ में आरोप है अपराध का, कांग्रेस के 5 एमपी पर महिलाओं के खिलाफ में अपराध का आरोप है, एनसीपी के एक और अन्य दलों के 3 एमपी पर महिलाओं के खिलाफ में आपराधिक मामले हैं। 2014 से 2019 के बीच में 63 आपराधिक विधायक चुने गए, 2014 से 19 के बीच में 443 उम्मीदवार महिलाओं के खिलाफ में जिनके ऊपर मामले चल रहे हैं उनको पार्टियों ने टिकट दिया। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के 49 उम्मीदवारों के ऊपर आपराधिक मामले रहे हैं। और ऐसे में आप लोग बात करते हैं कि साहब होना चाहिए, होने चाहिए से अभी मामला आगे निकल रहा सर, अब तो इसमें डिलीवरी का वक्त होना चाहिए, अब तो ऐसा अंकुश लगना चाहिए। क्या सबक सीखती है देश की जनता से लेकर के तमाम लोग, निर्भया कांड 2012 से लेकर के 7 साल गुजर गए सर, अभी तक इन तमाम चीजों को लेकर के सख्त कानून, ठोस बात, जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्था प्रदान करने की बातें कही जाती रही है कि रात के 12 बजे भी एक महिला अपने घर से आसानी से निकल करके जा सके। क्या इस माहौल में कोई महिला या हिम्मत जुटा पाएगी कि रात के शाम के 7 बजे के बाद में अपने घर से सुरक्षित महसूस करते हुए निकले? अनिल जी, आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और वास्तव में महिलाओं के ऊपर और अधिक काम होने की आवश्यकता है कि जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो रुकना चाहिए और इस पर बहुत अधिक सख्ती के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरा तो, और इसके अंदर कोई भी दोषी है चाहे वो बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे किसी भी पार्टी का है, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, किसी दोषी को बचाया भी नहीं जाना, मगर बचाया जाता ना जाना चाहिए, बचाया तो जाता है ना, जहां तक कोशिश होती है बचाया जाता है। रेप जैसे आपराधिक मामलों को, संगीन मामलों को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जाता है कि आरोपी मुसलमान है या हिंदू है, ये माहौल जब तक देश के अंदर रहेगा कैसे इस पर अंकुश लगेगा? नहीं, आरोपी चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, इस चश्मे से तो देखा जाना ही नहीं चाहिए। चाहे आरोपी है, चाहे उपद्रवी है, चाहे आतंकवादी है, ये जो भी है वो जो है उनका वही धर्म है, वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है। लेकिन मैं प्रियंका जी, क्या कर रही है, मतलब क्या प्लानिंग है, कुछ तो सोच कर तो आए होंगे, क्योंकि इतने सारे जुमले दिए गए थे, नारे दिए गए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी महिला सम्मान में बीजेपी मैदान में, तो कुछ ना कुछ सोच करके आप लोग सरकार में आए होंगे ना, तो आप लोगों ने क्या किया इसमें? अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, पहले ही आपके 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट बने थे, 1600 केस पेंडिंग है, तो क्या हुआ आपकी सारी जो भर्तियां हैं? आप हाईकोर्ट का ले लीजिए एक एग्जाम्पल, हाईकोर्ट में अभी भी आपके 800 से ज्यादा जो है जजेस की कमी है, एक एक जज के ऊपर 80-80 केसेस होते हैं, पूरे दिन में वो कैसे सॉल्व करेगा? ऊपर से आप कह रहे हैं चलो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दीजिए, बनाइए ना, लेकिन वो फंड तो देते नहीं है आप लोग स्टेट्स को, आपकी सेंटर देती है क्या? आपने कुछ प्लानिंग की है महिलाओं की सुरक्षा? आप कहते हैं जागरूकता नहीं चाहिए, जागरूकता कैसे आएगी, आप लोग फंडिंग? ये बड़ी कड़वी सच्चाई है सर, बड़ी कड़वी सच्चाई है। किसकी जिम्मेदारी है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बनाना? किसकी जिम्मेदारी है जजों की नियुक्ति को लेकर के एक बेहतर माहौल प्रदान करना? किसकी जिम्मेदारी है कि अगर पुलिस कर्मियों की तादाद कम है तो उनकी भरपाई की जाए? किसकी जिम्मेदारी है कि लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ में महिलाओं को प्राथमिकता सुरक्षा के मामले में दी जाए? ये सब चीजें जब जमीन पर नहीं दिखेंगी, सिर्फ जन जागरूकता की बात करके सर अपने ऊपर से हम जिम्मेदारी हटा नहीं सकते हैं। और ऐसे में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में भी जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल लेंगे, क्योंकि ये वारदातें, ये माहौल पूरा एक दिन में तैयार नहीं हुआ, 2014 के बाद तो तैयार नहीं हुआ। शुरुआत से देश के 72 साल 71 साल हो गए आजाद हुए, मगर अभी भी हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर मजबूर होते हैं। और ऐसे में प्रियंवदा तोमर जी, महिला आयोग के सदस्य आप, ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी आखिर किसकी ज्यादा बनती है, चूक कहां पर होती है, समाज में आखिर इस किस्म का माहौल तैयार क्यों नहीं होता? देखिए बिल्कुल, पहली तो बात ये जो आपने आज आंकड़े दिखाए बहुत ही शॉकिंग हैं और बहुत ही पीड़ा देने वाले हैं, और इसकी जितनी भी निंदा करी जाए, निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दूसरी बात, जिम्मेदारी दोनों की होती है, जहाँ सरकार की होती है वहीं समाज की भी होती है। अभी 2 हफ्ते पूर्व योगी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कुछ निर्णय लिए। उन्होंने एक तो सबसे पहले जो अपने एंटी रोमियो स्क्वाड है उसको 25,000 बॉडी वॉर्न कैमरे का देने का प्रस्ताव दिया,
और दूसरा जो 5,000 उनको उपलब्ध होंगे जो ट्रैफिक पर्सनल हैं या जो एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं, 5,000 उनको उपलब्ध होंगे, टैबलेट उपलब्ध होंगे, 15,000 डेस्कटॉप्स उपलब्ध होंगे, 218 फास्ट ट्रैक्स कोर्ट की स्थापना करने की बात कही गई है। जहाँ तक बजट की आपने अभी बात कही, तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर है 2020, इसमें 44% बजट में बढ़ोतरी की को अप्रूवल दिया गया है। दूसरी बात मैं बता दूं कि इसके साथ ही जो भी पुलिस कर्मी इस तरह से करते हैं तो उनके खिलाफ पास्ट में भी एक्शन लिए गए हैं। मेरठ में केस हुआ था तो उसको निलंबित किया गया। ठीक है, सवाल यह कि अप्रूवल इन तमाम चीजों का होता है, सरकारों की जिम्मेदारी है कि सारी चीजें करें, नीति लेकर के आए और इसीलिए जनता उनको चुनती है। ठीक है, ठीक है, हिमांजलि गौतम जी, ठीक है, मैं आप दोनों की तरफ वापस आता हूँ। हिमांजलि गौतम जी, सब कुछ होता है, सब कुछ कहा जाता है, बातें कही जाती है, होना चाहिए होना चाहिए, इस डिलीवरी क्यों नहीं हो पाती? हिमांजलि गौतम जी, ये डिलीवरी का समय क्या अभी 200-300 साल और लगेंगे क्या? हम 71 वर्षों से इसी किस्म की बातें करते आ रहे कि साहब हमने ये प्रावधान किया, ये प्रावधान किया, ये प्रावधान कर दिया, डिलीवरी क्यों नहीं है? सर, ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि हमारी सरकार एज अ सोसाइटी हम लोग भी सिर्फ तभी जागते हैं जब एक बहुत ही दुखद या दर्दनाक हादसा हमारे सामने होता है, चाहे वो दिशा वाला केस हो, चाहे निर्भया वाला केस हो। निर्भया वाला केस हुआ था तो हमारे आईपीसी में आपने देखा कि लॉ में भी बदलाव किया गया था। 10,000 करोड़ उस टाइम पे जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने घोषणा की थी 10,000 करोड़ निर्भया फंड बनाया था, लेकिन वो फंड आज तक बहुत सारे स्टेट्स में यूटिलाइज ही नहीं किया गया है। तो आप इसी चीज से देख सकते हैं कि सरकारें कितनी ज्यादा सिंसियर है एक विमेन को सेफ्टी प्रदान करने के लिए। आज हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को रात को 12 बजे 2 बजे खुलवा दिया जाता है, अगर कहीं पे सरकार बनानी या गिरानी होती है एक आतंकवादी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट को खुलवा देते हो। लेकिन कितनी बार आपने देखा है कि विमेन सेफ्टी को लेकर कुछ इस तरीके की बात लोगों ने सिंसियरिटी दिखाई हो? आप देखते हैं कि इतने सारे कंट्रीज है, इंडिया में बोल देते हैं कि अच्छा लड़की ने स्कर्ट पहनी है, ये सब किया। बाहर इतने सारे कंट्रीज में हम जाते हैं, वहां पे कुछ भी पहनती है, शॉर्ट स्कर्ट पहनती है, इतना सेफ है वहां पे लड़कियां, उसको छोड़िए आप जहां पे बुरके में रहती हैं फीमेल्स वो भी सेफ हैं, वहां भी उनके अगेंस्ट इतने क्राइम्स नहीं हो रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि आप पहले तो रेपिस्ट पकड़े ही नहीं जाते, पकड़े जाते फिर आपने देखा कैसे हैदराबाद में जो जिस तरीके से उनका इनकाउंटर हुआ, उसके बाद एक समाज का एक वर्ग उस चीज को भी क्रिटिसाइज करता है कि कैसे रेपिस्ट को आपने मार दिया। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी जाके सिलाई की मशीन, सवाल क्या है मंशा, सरकारों की मंशा, सरकारों की मंशा बिल्कुल नहीं। अरे सर, मंशा तो तब साफ होगी कि आप, ये तो सिर्फ राजनीतिक दल सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आप देखते हैं हमारे मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था, बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं। जब इतने बड़े नेता इस तरीके की बात करते तो ऐसे नहीं कि वो बात कह के हट गए, उसका कितना बड़ा समाज में कितना गलत संदेश जाता है। आजम खान जब कोले में एक अपने इतनी रैली को संबोधित करते हुए एक महिला के अंडरवियर की बात करते हैं तो आप क्या संदेश जाता है? आपने अपनी, आज अखिलेश जी पहुंच जाते हैं रेप पीड़िता के घर पे, उनके उनकी अपनी पार्टी में ये सब हो रहा है उनके, इसीलिए मैं बार-बार ये कहता हूं कि क्या ये सिर्फ फैशन हो गया कि किसी के साथ में अत्याचार हुआ, महिला के साथ में बलात्कार हो, उसके परिवार वालों को जाकर के आर्थिक मदद दे देना भर काफी है। मगर रमेश ठाकुर जी, क्या सिर्फ फैशन के लिए, खाना पूर्ति के लिए ये विभाग बना दिए जाते हैं? इनकी जिम्मेदारियां किताबों में, इनकी जिम्मेदारियां ऑनलाइन सारी चीजें दिखती हैं, वो धरातल पर आएगी कभी कि नहीं? सर देखिए, जो रेप होता है एक नारी का नहीं होता है, एक वो सिस्टम का होता है जो करा रहा है, जो एक दम तोड़ रहा है। एक प्रियंका का जो मामला हुआ, उनका जो रेप हुआ, उसके बाद 80 लाख लोगों ने उसका रेप वीडियो सर्च करा, तो ये तस्वीरें दिखाती हैं। सिर्फ आप सिस्टम को दोष नहीं दे सकते हो, पुलिस वालों को दोष नहीं दे सकते हो, उसमें आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप क्या सिर्फ मजे लेना चाहते हो? एक तौर पर राजनीतिक गलियारों से लेकर के समाज के एक एक बच्चे की जिम्मेदारी है इसमें, मगर सवाल यह कि जिनके कंधों पर सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है, वो अपने उस जिम्मेदारी के निर्वहन कितने स्तर पर कर पाते हैं? देखिए एनसीबीआर के रिपोर्ट जो कहती है, ताजा अभी जो आई है, वो कहती है कि जो रेप के जो मामले हैं अब 80 नहीं, उससे नीचे वाले बच्चों के द्वारा ज्यादा किए जा रहे हैं। ये लोग कौन है? ये स्कूली बच्चे हैं। ये लोग कौन है जो घरों में रहते हैं? इनके पास जब से एंड्रॉयड फोन आया है, टेलीविजन आया, दुनिया भर के सोशल मीडिया के उनके पास आए, तो इनको रोकने का काम हुकूमत का है। सोशल मीडिया तो और भी स्टेट्स में, हम और भी मुल्कों में आप देखते हैं उनके पास है, वहां तो इतने केसेस नहीं होते, कहीं ना कहीं घर के माहौल भी ऐसे होते हैं। पहले आप अपना घर तो संभाल लो, दूसरों की बात करें, अपना घर तो संभाल लो।
आप दूसरों की बात कर रही हो, तो पहले अपना घर तो संभाल लो। आप रोड पे निकलिएगा ना, या टेलीविजन टेलीविजन पे चिल्ला के थोड़ी कुछ होता है मैडम। आप किसी रेप विक्टिम के पास तो जाके देख लीजिएगा, जो दर्द जो सहता है, जो दंश सहता है, उसका उससे आप देखे जाएगा। हम लोग नहीं जाते हैं क्या? हम लोग रोज सड़कों पे इसी काम के लिए रहते हैं। मैं खुद जाती हूँ इन सब चीजों को देखने के लिए। हम सब लोग अपने सोशल मीडिया खाली सोशल मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, घरों का माहौल भी उसके लिए इक्वली ही दोषी होता है। वही कह रहा था, खाली सोशल मीडिया से आप कुछ कैच करके कुछ बोल रहे हैं वो गलत है। बाद में अभी एक रेप हो जाता है, 2 वर्ष की वो बच्ची है और उसका जो बिल्कुल पड़ोसी है, जो उनके साथ उसकी बहुत जानकारी रहती है, दिल्ली का आना जाना है, चॉकलेट के बहाने ले जाता है, उसका दुष्कर्म हो जाता है। दिल्ली की घटना है, अभी जो आपने बताया कि विक्षिप्त के साथ जो घटना घटी, तो कहीं ना कहीं जो समाज भी दोषी है इसमें। मैं वही कह रहा था, मैं वही कह रहा था, मगर समाज की मानसिकता बदलने की जिम्मेदारी समाज के लोगों की तो है ही है, मगर उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से की जाती है? मैंने आपको बताया जो अभी अभी स्टेप्स लिए, धरातल पर नहीं है सोच बदलने में। मैडम धरातल पर दिखते क्यों नहीं है? धरातल पर दिखते क्यों नहीं है वो? आप बताइए, तुम एफआईआर आप ऑनलाइन आप कर सकते हैं, एफआईआर नहीं होता ना। एफआईआर कल से चिल्ला रहा है, नहीं हो रहा ना एफआईआर, इसी मानसिकता। देखिए इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, पब्लिक ने देखा अच्छी खासी, एफआईआर की जानकारी नहीं थी, इसीलिए इतना सारा इंपॉर्टेंट टाइम उसमें नष्ट हो गया था। नहीं नहीं, एफआईआर रिकॉर्ड होता ही नहीं, एफआईआर लेता ही नहीं प्रशासन, भी इतनी दबाव आ गया, कई महिलाओं ने खाने के सामने जहर खा लिया, कई इलाके में आत्महत्या कर लिया, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है एफआईआर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओपी सागर साहब हमारे साथ में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, पुलिस के हो, किसी कोई नेता हो, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है मैम। ओपी सागर साहब, स्थिति ऐसी है कि जिम्मेदारी जाहिर तौर पर सरकार, प्रशासन, पुलिस से लेकर के समाज की भी उतनी ही है, मगर जब खाकी ही इन तमाम चीजों में गफलत बरते, या फिर जब तक कोई असर रसूख वाला शख्स एफआईआर करने के लिए ना जाए, कराने के लिए सपोर्ट ना करे, तब तक होती नहीं। पुलिसिया कार्यशैली कितनी जिम्मेदार है इसके लिए? ये तो सही बात है और एविडेंट है, सबके सामने आती है, क्योंकि एफआईआर साधारण तरीके से होती है, ये सबसे बड़ा दोष है। और बहुत सारे रास्ते निकाले गए, ये भी कहा गया कि पोस्ट ऑफिस में एफआईआर हो जाए करेगी, ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन एफआईआर जो है केवल मात्र छलावा मात्र है, उससे भी सही बात नहीं हो रही है। जब तक एफआईआर का हमारा पारदर्शी तंत्र नहीं जागरूक होगा, तब तक बड़े मुश्किल है। एफआईआर को ये कराने में जितनी मशक्कत लगती है, तो किसी न किसी की सिफारिश दें या किसी सीनियर ऑफिसर के पास जाए, जबकि खुद सीनियर ऑफिसर्स का और हाईकोर्ट का तक ये निर्देश है कि पूरी एफआईआर होनी चाहिए। कहीं भी कोई एफआईआर अगर मना किया जाता है तो वो और एफआईआर होना ना होना एक अलग पहलू है। एफआईआर होने के बावजूद किस तरीके से आरोपियों को बचाने की कोशिश होती है, आखिर कब ये चीजों में सुधार कब देखा जाएगा? जवाब भाई मैं बता रहा हूँ, एफआईआर कराने के बाद में भी सही बात है, उसके बाद एफआईआर होने के बाद भी बहुत सारे दबाव काम आते हैं, दबाव लगाए जाते हैं और उसके बाद में पीड़िता या पीड़िता के परिवार को तरह तरह से परेशान करने के लिए जो प्रभावशाली लोग हैं वो ऐसा कर देते हैं कि असल में जो हकीकत में हो जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ठीक है। इसको करने के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी देखना चाहिए कि किसी भी दशा में कोई प्रेशर ना माना जाए। और ऐसे में ठीक है सर, ऐसे में सुनील कौशिक जी, सरकारें बातें तो करती है, अभी आंकड़े गिनाए गए कि एंटी रोमियो स्क्वाड जिस तरीके से बनाया गया, मगर उस स्क्वाड का की कार्यशैली जमीनी स्तर पर कितने देखी उत्तर प्रदेश के अंदर? दिल्ली की अगर सरकार की बात करें, किस तरीके से यहां पर सीसीटीवी कैमरे, महिलाओं के लिए बसों में गार्ड, महिला सुरक्षा गार्ड से लेकर के तमाम चीजों की प्रावधान की बातें की गई, जमीनी स्तर पर अगर आती भी ये चीजें उसका असर नहीं होता? न तो सरकार जो सरकार का मनोबल है और जो विपक्ष का है वो वास्तव में निश्चित तौर से हकीकत में जाना ही नहीं चाहते, और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं या कई लोग बैठे हुए हैं, ईमानदारी से यदि वो पहल करें तो निश्चित तौर से ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं।
केवल इस पर नहीं करना है कि आपको कि कितने प्रतिशत मामले बढ़ रहे हैं, कितने प्रतिशत घट रहे हैं, कितने पे न्याय दें, आखिर में वहाँ तक पहुँचने का कि बच्चों का जो मन है, जो वास्तव में बलात्कार ही है, उसका मनोयोग मनोरोग होता कैसे? सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी ज्यादा है ऐसी चीजों पर अंकुश लगाने के लिए? बिल्कुल है, जिम्मेदारी दोनों की है, जिम्मेदारी ज्यादा है पुलिस प्रशासन के मुकाबले। मैं वही कह, निर्भया कांड जब हुआ तो लगभग यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे सिंह साहब, उन्होंने 10-12 लोगों की कमेटी बनाई और शाम को जब हम लोग निकले उसमें मैं भी मेंबर था, तो जितने पार्क हैं शाम को नोएडा में, सारे पार्क में बैठे हुए बच्चे जिनकी मुश्किल से उम्र 14 साल से लेकर के 20 साल के आसपास होगी, सारे लोग नशे में थे लगभग 50% से ऊपर, और सारे लोगों के हाथ में वो एंड्रॉयड थे जिनमें जो देखा जा सकता है वो सारी चीज़ें उस मोबाइल में थी। तो आखिर में ये घर वालों को नहीं पता कि जो लोग नशा करके शराब पी के गांजा पी के अफीम खा के जो घर जा रहे हैं वो गार्जियंस आखिर में कर क्या रहे हैं, क्या उनको नहीं पता ये सारी चीज़ें? दूसरी व्यवस्था ये है कि आप रोकने की बात कर रहे हो, अभी डॉक्टर साहब का रेप हुआ हैदराबाद में, क्या लोगों का आया सोशल मीडिया पे कि पहले हम लोग बच जाते थे रेप के बाद, अब हम लोग मार दिए जाते हैं, तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे चीज़ें आई, तो आखिर क्या कहेंगे? जो ये सख्त कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, पॉक्सो एक्ट में आपने फांसी दे दी, कितना चेंज हुआ 2018 में फांसी की राष्ट्रपति ने मोहर लगाई, उसके बाद क्या हुआ? और जो डॉक्टर रमेश ठाकुर कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ कि जब तक आप अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे, अपने बच्चों में बदलाव नहीं लाएंगे, अपने बच्चों पर आप नज़र नहीं रखेंगे। निर्भया कांड की आप देखिए ना, एक रिपोर्टर ने यह पूछा कि इतना भीभत्स कांड आपने किया, रॉडे डाली गई, ये सब किया, वो चिल्लाती रही, तो आपने ये कहां देखा? तो उसने कहा मोबाइल में देखा हमने, जंगली टाइप के जो वीडियो आते हैं, तो वो मानसिकता बदली कहां से? देहरादून का भी ताजा मामला, मैं वही कह रहा हूं, मामला हुआ है, आखिर में वो लोग उनके आरोपियों से पूछा गया, अंजाम दे रहे हैं, नहीं ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ज्यादा है, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, मगर अगर 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 मोबाइल फोन पर यह सारी सामग्री उपलब्ध है तो ये सामग्रियां हटे या ओपन ना हो किसकी जिम्मेदारी है? सोसाइटी तो इसको नहीं कर सकती। जब बार भाई एक महिला आयोग की मेंबर बैठी हैं, जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जब शुरुआत की शिकायतें होती हैं, तब प्रशासन से रिपोर्ट मांगी जाती है, और महिला आयोग की मेंबर भी मांगती होंगी, 90% रिपोर्ट वो झूठी शासन को दी जाती है, महिला आयोग को दी जाती है, आखिर उन पर जिम्मेदारी क्यों नहीं निहित की जाती कि किसी भी आईएएस आईपीएस ने यदि झूठी रिपोर्ट दी है, बचने का प्रयास किया है, और बाद में जब गहनता से उन केसों की जांच होती है, तोमर जी, तो वो रेपिस्ट निकलते हैं, जिसकी जिम्मेदारी भी निहित होनी चाहिए। ठीक है, प्रेमदा तोमर जी, सहमत नहीं हूँ, महिला आयोग अपना काम बहुत भलीभांति पूर्वक बहुत अच्छे से करता है, हम लोग जिम्मेदारी तय करते हैं बाकायदा। एक अधिकारी का नाम बताओ, एक रिपोर्ट पे आपने बर्खास्त निलंबित की संस्तुति की हो आपने उत्तर प्रदेश में, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, नहीं आता तो महिला आयोग का क्या मतलब है? महिला आयोग का मतलब क्या है फिर आप बताइए? तमाम अधिकारी, अभी मैं दिखा दूं, 5 रिपोर्ट मेरे पास ऐसी है, मैंने पिछली डिबेट में भी आपसे ये कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आपको महिला आयोग को गुमराह किया, मैं लखनऊ था, महिला आयोग के दस्ताने रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट वो गलत गई, अब बाद में क्या हुआ उसमें? नहीं तो सवाल ये है कि क्या महिला आयोग को थोड़ा सशक्त हो जाने की जरूरत है? महिला आयोग रिकमेंडेशन चीजें क्यों करता है, सिफारिश करता है? कर सकते हैं कि जिन अधिकारियों ने आपको गुमराह किया सरस्वती कीजिए आप उनको, सरकार को कीजिए सरस्वती, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी महिला आयोग ने सरस्वती के अधिकारियों की। ठीक है प्रेमदा जी, क्या महिला आयोग के पावर को और ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है? बहुत अच्छा क्या, रहेगा क्या, क्या 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 अभी जो पावर है वो काफी नहीं है, क्योंकि चीजों पर नोटिस जारी कर देना, रिकमेंडेशन कर देना, इसके अलावा महिला आयोग की तरफ से कभी कुछ देखा नहीं जाता है? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, अगर महिला आयोग पावरफुल होगा तो बहुत ही संवेदनशील तरीके से इन बातों का ख्याल रखा जाएगा, कहीं भी जो महिलाओं के प्रति अपराध हैं, लड़कियों के प्रति इस तरह के जो जघन्य अपराध हैं, उनको बहुत ध्यान से रख के, उनको बीच में रख के, और जो अधिकारी हैं उनके प्रति हम लोग कार्यवाही कर सकेंगे और बेहतर ढंग से, तो सशक्त होने की आवश्यकता है। पहले इसका रूप भी इसी तरीके से था कि महिला आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब आशी, दो चीजें हैं, एक तो जैसे अभी मेरे जो काबिल को पैनलिस्ट ने उन्होंने अभी बोला है कि एक जो माइंडसेट को बदलने की जरूरत है सोसाइटी के, तो वो बहुत ही ज़रूरी है, और लेकिन एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि सोसाइटी का जो माइंडसेट बदलने में जनरेशंस लग जाती है, हम उतना वेट नहीं कर सकते, तो अभी जो चीज़ अगर जो जल्दी से इमिडिएटली जो हो सकती है वो ये है कि जो हमारा जो कानून व्यवस्था है, जो हमारा एक पुलिस प्रशासन है, वो जो अभी जो लॉ है उसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, ऐसे मतलब जो भी अगर ऐसे अपराध होते हैं तो उनमें ऐसी जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा का जो प्रावधान ऑलरेडी है लेकिन वो होता दिख जाए, जिससे कि क्या नाम है, आगे वाले जो रेप्स के लिए वो, या आगे महिलाओं के लिए बढ़ते जितने भी अपराध है उनके लिए डिटरेंट का काम करे। आप देखते हैं कि 15 साल में
15 साल में बस 4-5 लोगों को फांसी पे लटकाया गया है। आप देखते हैं इतने सारे लोग जेल में, इतने सारे रेप केसेस, इतने सारे क्रिमिनल्स, उनको क्यों नहीं फांसी पे लटकाया गया, क्यों इतना स्लो सिस्टम है? निर्भया वाला केस तो सबसे बड़ा हमारे पास उदाहरण है कि एक फास्ट ट्रैक मोड में इस केस को सुना गया था। पुलिस ने 18 दिन में चार्जशीट इसमें फाइल की थी, रोज इस केस को सुना गया। 7 साल लग गए, 7 साल से इंतजार हो रहा है उनकी माँ, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि जितनी भी इस चीज को लीगल लैंग्वेज में डिलेटरी टैक्टिक्स बोलते हैं, तो क्या करते हैं कि आप उसके बाद अपील में गया, फिर हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में फिर से रिव्यू पिटीशन और इसीलिए सवाल पूछा जाता है कि ये इस लेंथी प्रक्रिया को ऐसे बलात्कार जैसे जघन्य आपराधिक मामलों में क्या खत्म किए जाने की जरूरत है या इसको नए तरीके से अपडेट करने की जरूरत है? उसको टाइम हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज रेपिस्ट को पकड़ा तो कल गोली मार दी, वो तो नहीं हो सकता इतना हम सब समझते, क्योंकि इतने सारे मगर जो 7-7 साल 8-8 साल जो लग रहे हैं इस प्रक्रिया को खत्म करने के लिए, कहीं ना कहीं कदम तो उठाने होंगे ना प्रियंका राणा जी। अब ऐसे में जिम्मेदारी आकर के जैसा कि हमारे कई सारे पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि साहब समाज को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घर के लोगों को, परिवार वालों को, अपने बच्चों को किस तरीके से तालीम देनी है, पालन पोषण करना है, क्या उनकी मानसिकता बनानी है, ये सबसे पहली जिम्मेदारी घर वालों और समाज की है। ये कैसे बदलाव होगा? बिल्कुल जरूरी है। और देखिए माँ बाप को ही सामने आना पड़ेगा, माँ बाप को अपने बच्चों के लिए एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा बच्चों के साथ, क्योंकि आजकल आप देखिए 90% जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग हैं और ऑफिस में जाते हैं, टाइम होता नहीं है, बच्चे पीछे से क्या कर रहे हैं उनके पास टाइम नहीं होता उनके साथ बैठ करके, दिन में 1 घंटा भी कम से कम बात करें, कम्युनिकेट करें, उनके मन में क्या चल रहा है उनको जाने, तो वो सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वही है मानसिक प्रवृत्ति जो है जो बच्चों की भी है, चाहे उसको काउंसलिंग के थ्रू आप सुधारें, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। उसमें मैं आपको अभी जैसे बात हो रही थी निर्भया की, तो टाइम बाउंड तरीके से अगर हम लोग एक नज़ीर पेश करते हैं, क्योंकि आप देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिर्फ एक साल के अंदर डिसीजन आ गया था, उसके बाद हाई कोर्ट में 1 साल और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 साल लग गए, तो आप देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। ऐसे ही जो कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो पुलिस की जो रिपोर्ट्स आती हैं, चार्जशीट जो फाइल होती हैं उनके एविडेंसेस के बेसिस पे होती हैं, तो पुलिस क्या काम करता है वो बहुत जरूरी है कि वो कितनी जल्दी से जल्दी अपनी चार्जशीट फाइल करे, और नहीं करता है तो ये स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की कि वो पुलिस को इंस्ट्रक्शन की बात होती है, कार्रवाई की बात होती है, तो वहां कोई ना कोई राजनीतिक घरानों का एंगल आ जाता है, क्योंकि किसी ना किसी की तरफ से दबाव होता है कि साहब इस मामले को लटकाया जाए, इसमें इन्वेस्टिगेशन हल्की की जाए। क्या हुआ, नित्यानंद भाग गए, क्या पता चला, सरकार इधर से पल्ला झाड़ लेती है कि सामाजिक जिम्मेदारी है, अरे रेपिस्ट भाग जाते हैं, आरोपी भाग जाते हैं, आपकी सरकार को पता ही नहीं चलता, पुलिस को पता नहीं चलता, तो कहां बैठे हम, जंगल राज है क्या? और ऐसे में मनोज तिवारी जी, सवाल यह है कि जब सरकार में बैठे हुए ऐसे लोग होते हैं, जब पार्टियां चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों को अपना उम्मीदवार बनाती है जिनके ऊपर महिलाओं के साथ में उत्पीड़न, आपराधिक मामले, यहां तक कि बलात्कार के केसेस होते हैं, तो फिर कहां से समाज में सुधार पैदा होगा? कैसे इन तमाम चीजों की बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं सर? और इसमें कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। देखिए जब्बार जी, एक चीज तो बलात्कार और रेप का जो मामला है ये मानसिक विक्षिप्तता का परिचायक है, और इस चीज के रोकथाम के लिए चाहे सरकार किसी की भी हो उस पर एक बहुत कड़ा कानून और बहुत सख्त उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं एक चीज़ आपको बताता हूं, जैसा आपने बताया कि हर राजनीतिक दलों में इस तरीके के लोग हैं, मैं बिल्कुल इस चीज़ को स्वीकार करता हूं। मैं दलीय हित से ऊपर उठकर ये बात कहता हूं कि अभी तक भारत सरकार के पास जो डाटा है, 1,46,000 केसेज जो है 2017 तक था उसमें सिर्फ 5,822 केसेज का निपटारा हो पाया है, तो इसकी कमी कहाँ है? ये जुडिशियरी प्रोसेस की कमी है, और जो सरकार चाहे तो उसको कम कर सकती है, जुडिशियरी को फास्ट बना सकती है और लोगों में खौफ पैदा कर सकती है जल्द से जल्द सजा दे करके। जैसे कि ये भी बताया गया था कि निर्भया के बाद एक फंड की व्यवस्था की गई थी, हमारे एक महिला यहाँ पर आयोग की बैठी हुई है, उन्होंने बताया कि निर्भया जो फंड था उस फंड का सही तरीके से उपयोग सरकार नहीं कर पाई है, तो निश्चित रूप से सरकार में भी कहीं ना कहीं दोष है। तीसरी बात, मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, महिला आयोग पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए मेरा अपना मानना है कि महिला आयोग एक राजनीतिक संगठन टाइप का हो गया, मुझे लगता है कि महिला आयोग को खुली छूट देनी चाहिए और महिला आयोग को और राजनीतिक बनाना होगा, ताकि महिलाओं के हित की लड़ाई महिला आयोग आसानी से और बहुत मजबूती के साथ लड़ सके, ताकि खौफ पैदा हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि महिला आयोग भी पार्टी लाइन के हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखिए मैं बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठ के ये बोल रहा हूं,
कि चाहे दल कोई भी हो, महिला आयोग को खुली छूट देनी चाहिए और उसको सशक्त बनाने की जरूरत है। रमेश ठाकुर जी, फिर तो समस्या तो बहुत विकट है। अगर महिला आयोग भी राजनीतिक पार्टियों की लाइन को लेकर के अगर वो चलेगा तो फिर समस्या का समाधान कैसे होगा? जिस बात की उम्मीद हम करते हैं महिला आयोग से, फिर वो कैसे होगी? नहीं, जो मनोज जी कह रहे हैं ना, सुनते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है और उनके मुंह से जब कह रहे हैं तब भी बड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी भी हुकूमत थी, आपकी ही सरकार ने तो उस समय जब 2012 में जब मामला हुआ था उसके बाद कानूनों में बदलाव किया गया, निर्भया फंड भी बनाया गया, जो उस समय का जो पैसा था, फिर मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने उस पैसे को डबल कर दिया गया। ना उस समय इस्तेमाल सही से हो पाया, ना अब इस्तेमाल हो पाया। सबसे बड़ी, रुको, लेट मी कंप्लीट। सबसे बड़ी बात आ जाती है, कौशिक साहब ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि जो महिला आयोग का जो अधिकार है वो सफ़ेद हाथी की तरह हो जाता है, क्योंकि उसका उदाहरण हमने देखा, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा बिचारी खुद अपने अधिकारों के लिए धरने पे बैठती हैं, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। चाहे यूपी का मामला हो गया, कहीं पे भी हो गया, एक रिपोर्ट थी, हम लोग गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट थी, तो हम लोग मोहाली के अंदर में थे, एक रेप हुआ था, तो वहाँ पर जाके हमने SHO से पूछा कि इसमें आपने क्या कार्रवाई करी, तो वो कह रहा सर मैं कार्रवाई तो करता और FIR भी लिखने वाला था, लेकिन उसका फोन आ गया था। हमने कहा किनका फोन आ गया था? अब जब उन्होंने नाम लिया तो यहाँ चैनल पे पब्लिक डोमेन में बताने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल दिक्कत यही है, उनके हाथ बंधे होते हैं, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे महिला आयोग की सदस्य हो, चाहे महिला अध्यक्ष हो। इवन हम लोग भी जब बैठते हैं, जब मीटिंग होती है, स्मृति ईरानी साहब महिला जब मीटिंग हमारी लेती हैं, तो हम लोग ये बताते हैं उनको कि ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन होता क्या, इंप्लीमेंट जो कहने वाली बात वो नहीं होगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा आप ही के पैनल के द्वारा, आप ही के चैनल के द्वारा ये मामला उठाया गया था, मामला मुस्कान का था, और मुस्कान के मामले में आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक FIR दर्ज करने में पुलिस के यहाँ मुस्कान की सिंगल मदर को 1 साल तक दौड़ लगानी पड़ी। अब इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है कि FIR दर्ज करने में पुलिस को 1 साल लग जाता है। और जहां तक सवाल दबाव, राजनीतिक दबाव का है, दल चाहे, मैंने पहले भी स्वीकार किया इस बात को, कहा है महिला आयोग की वहां जरूरत थी। महिला आयोग अगर सशक्त होती तो मुस्कान के मामले में संज्ञान ले सकती थी, सड़कों पर उतर सकती थी, लेकिन मुझे लगता है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि महिला आयोग का भी कोई वहां पर कोई साथी, कोई महिला वहां पर नहीं पहुंच पाई, आज भी वो केस लटका पड़ा है। इसलिए ये सबसे बड़ा दुखद पहलू है। मैंने बार बार मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि सरकार चाहे कोई भी हो, ये सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए और समाज से इस कलंक को मिटाने के लिए, तो फिर सरकार को और राजनीतिक तरीके से समाज के हित में काम करना होगा और उस पर कड़े से कड़े सरकारें या राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक तरीके से काम कहां करती हैं और कैसे कर पाएंगी और कितना लंबा समय लगेगा इसमें, बदलाव की प्रक्रिया कितनी ज्यादा होगी। ओपी सागर साहब, क्या पुलिस वालों के सामने एक लाइन होती है साहब कि अगर राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें है तो हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते? FIR करना है, अगर फोन आया तभी करना है, नहीं करना है, फोन आ गया, कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, उत्तर प्रदेश से पिछले दिनों आए ऐसे, जो कि सरकार में मंत्री हैं, किस तरीके से FIR करने के लिए उसे डाटा जा रहा है, एक अधिकारी को यह कहा जा रहा है कि साहब इस FIR को खत्म कीजिए, ये जो एक स्थिति है, फिर तो पुलिस के हाथ बंधे हैं। फिर क्यों यूं कहा जाता है कि साहब कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है? जवाब भाई, आप जो है जो बात कर रहे हैं, देखिए हम चर्चा करते हैं हाई प्रोफाइल केसेस की। हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं 5% या उससे भी कम। जो बाकी 95% 98% केसेस होते हैं, खासतौर से रेप या महिला उत्पीड़न के, इसमें हम FIR होना एक दिक्कत वाला बात है, लेकिन उसके लिए तो जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स है वो एक्शन ले सकते हैं और उनको लेना भी चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो है, फिर कितना लंबा ट्रायल चलता है, फिर ट्रायल के बाद में अपील दर अपील चलती है, इसमें समय नहीं लगते। अगर आप समय घटा देंगे तो निश्चित रूप से जल्दी सजा मिलेगी और उसका एक डिफरेंट प्रभाव जो ये कौन करेगा सर, ये कौन घटाएगा समय, ये प्रक्रिया किसके हाथों में, कौन लोग इसे सही करेंगे? खुद कह रहा है कि ये जो है जल्दी ट्रायल पूरा करें, ट्रायल, जबकि आप निर्भया कैंड में अभी देखिए प्रियंका जी बता रही थी कि 1 साल में 18 दिन में पुलिस ने चार्जशीट लगा दी, 1 साल लोअर कोर्ट में रहा, 1 साल हाई कोर्ट में, 5 साल सुप्रीम कोर्ट में। ये जो इतना जो है टाइम लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो और देश है जहाँ के हम कहते हैं बड़े सख्त कानून है, वहाँ कानून इतने ही बराबर है
लेकिन वहां पर एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी है, वहां पर यह इतना लिटिगेशन इतना लंबा नहीं खींचता है जितना कि ये यहाँ पर ट्रायल में चल जाता है। इसको कम करना चाहिए, जहाँ महिला आयोग की बात हो रही है महिला आयोग को सशक्त बनाए। पॉलिटिकल जब उसमें अपॉइंटमेंट्स होंगे तो फिर जाहिर सी बात है उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा पाएंगे वो लोग। अगर सवाल ये कि एक नजीर तो पेश करना होगा अनिल गोयल साहब, इसलिए मैं समझना चाहता हूं क्योंकि निर्भया कांड के बाद में, निर्भया बलात्कार के बाद में जो निर्भया फंड जिस नाम से रिलीज किया गया, राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार ने जिस तरीके से उसमें बात कही, हस्तक्षेप किया कि साहब ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए, अगर वो फंड भी इस्तेमाल ना हो सके तो फिर किस बात के लिए सरकार है? बंद कर देना चाहिए सारे विभाग को, सारी चीजों को जो सब जिम्मेदारी निभाते हैं। जब्बर भाई, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी हमको चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे सामाजिक लोग हों और इसके साथ में मतलब ह्यूमन राइट्स वाले लोग भी हैं, उन सबको इस सबको बुराई की नज़र से देखना चाहिए, ना कि किसी को बचाने के लिए किसी में कमी निकालने की दृष्टि से। उदाहरण के लिए अभी जो हैदराबाद कांड हुआ था, रेपिस्ट को गोली मारी गई थी, इनकाउंटर हुआ था, 90-95% भारतवर्ष की जनता उससे खुश थी, लेकिन कुछ परसेंट ने इस पर भी फिर 5% लोगों के आप ख्याल क्यों करते सर? बस मेरी बात सुनो, मेरा कि जहाँ कानून के अंतर्गत वो बात उठाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा होता है। मेरा कहने मतलब कि हमको इससे ऊपर उठ करके भय का वातावरण जब बनेगा, वैसा तो कभी नहीं हो सकता ना सर, किसी समाज में नहीं हो सकता कि 100% लोग किसी एक बात को लेकर के सहमत हों, तो वैसा तो नहीं हो सकता ना, उसी दायरे में रह करके चीजों को दुरुस्त करना होगा। आप पहले मेरी, मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि अपराधियों के मन में डर कैसे पैदा हो? अपराधियों के मन में डर जब ही पैदा होगा जब ये होगा कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, हमारी वकालत करने वाला कोई नहीं है। अपराधियों के मन में सर डर तब पैदा होगा जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने पार्टी से उन लोगों को निकाल कर बाहर करेंगे जिन लोगों के ऊपर महिलाओं के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, केस है, जिन लोगों के ऊपर बलात्कार है, या क्या ये एक नजीर कायम नहीं हो सकती सर? बिल्कुल एक नजीर कायम होगी ना। मैं ये बात सभी राजनीतिक दलों को और सभी लोगों को मिलकर के जब इस पर हम अंकुश लगाएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। हम जो कहीं लगता है सर मेरी आप प्रधानमंत्री थे समाजवादी पार्टी के, कैबिनेट मंत्री थे, आपने कई बार विधानसभा नहीं चलने दी, आपने उनको सजा क्यों नहीं दिलवा पाई अभी तक? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं देखो, मैं आज उनको सजा आज तक क्यों नहीं मिली? वो आपके नेता नहीं है, विरोधी दल के नेता है, आपने तमाम आरोप लगाए, तमाम सरकार घेरी आपने उस समय, लेकिन आज भी उनको सजा नहीं मिली है, कारण मुझे बताइए बस उसका। तो मैं तो पेट्रोल केस के बारे में तो फिर वही बात आती है कि हम बदले की सरकार बदले की भावना से काम कर रहे हैं। आप विधानसभा नहीं चलने दे रहे हैं, आप राजनीतिक मामला तो नहीं था, मेरी बात तो सुनिए। 3 साल में आप उसको सजा नहीं, आपने अपने विधायक को सजा दिलवा दी 2 साल में, वो विधायक जो मंत्री प्रजापति को सजा क्यों नहीं दिलवा पाए? क्या डील है आपकी उसके पीछे से? हमारी कोई डील नहीं, क्यों सजा नहीं मिली सजा उसको? क्यों नहीं आज तक मिली? वो क्यों नहीं गया आज तक? हमारी एक नंबर, हमारी किस्सत कोई डील नहीं है। कैसा डील नहीं है? और कान वो लखनऊ के अस्पताल में मिला, मीडिया में जब बात आने के बाद दोबारा जेल भेजा गया, आपकी सरकार ने अनुमति दी उसको हॉस्पिटल में एडमिट होने की? नहीं, अगर कोई आदमी बीमार होता है और वो हॉस्पिटल की रिहाई मांगता है तो सरकार की तरफ से, बीमार व्यक्ति है तो इसका मतलब सारी सुविधा दी जाएंगी? सुविधा देने का विषय नहीं है जी, तो आप इसको, आप एक इंडिविजुअल विषय पा रहे हो और मैं इंडिविजुअल नहीं है। नहीं, मैं देखा है कि आपने कई बार विधानसभा नहीं चलने दी, आपने मेरी बात तो पूरी होने दी, 2017 के चुनाव में उसको मुद्दा बनाया। आप एक बात समझ लें, अभी निर्भया कांड के विषय को लेकर के हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा है कि ऐसे अपराधियों को जो सुप्रीम कोर्ट सजा दे दे उनको दया की याचिका नहीं लगाने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। अब आप उस बयान सवाल ये है कि कौन सी पार्टी या कौन सा नेता या कौन सा कहता है कि ऐसा होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरा ये कहना है। सवाल यही है ना, अब आप सवाल यही है, या तो वो निर्दोष है, हम मानिए निर्दोष है वो, और निर्दोष नहीं सजा क्यों नहीं है उसको? दोषी और निर्दोष साबित करने का कोर्ट का हमारा काम नहीं है, हम किसी को ना आपकी सरकार 3 साल से है ना निर्दोष साबित कर सकते हैं। सरकार का हाथ नहीं है, न्यायपालिका पे बात इसलिए नहीं आ सकती है कि बार बार आप न्यायपालिका पे थोप दोगे जो अधिकार आपके पास है। सवाल वही है कि न्यायपालिका जिस दायरे में काम कर रहा है, जाहिर तौर पर सरकार उसको बनवाती नहीं है, सिर्फ बातें कह दी जाती है कि साहब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें होंगी, मगर वो धरातल पर आती नहीं है। हिमांचली गौतम
गौतम जी, अब ऐसी स्थिति में एक बड़े नजीर की जरूरत है कि दो चार ऐसे केसेस सामने आए जिसमें फौरी तौर पर उस केस की प्रक्रिया के की शुरुआत हो और पूरा हो, उस सजा उसको दे दिया जाए। ये जो लटकाने और भटकाने वाला पूरा सिलसिला है, इस पर तो रोकथाम लगनी चाहिए, बिना इसके क्या संभव है? बिल्कुल रोकथाम लगनी चाहिए, क्योंकि जब निर्भया वाला केस हुआ था उसके बाद भी 7-8 साल हो गए उस चीज को, और क्योंकि लोगों के मन में जो रेपिस्ट था उसकी जो मानसिकता को समझिए, उसको लगा कि जब वो इतना बड़ा केस जिसमें क्या नाम है, सबको पता है कि कौन दोषी है, वो जेल के अंदर है और इतना पूरे देश में कानून बदल गए उस केस को लेके, इतना बड़ा केस, जब उसके दोषी, जब उसके आरोपी जेल में है, उनका कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उनको अरविंद केजरीवाल जी जाके 1,00,000 रुपए और सिलाई की मशीन देके आते हैं, तो एक आप सोचिए जो नॉर्मल जो केस है, आपने जो जितने सारे आंकड़े पेश किए तो बहुत ही कम आंकड़े, क्योंकि बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट भी नहीं होते, आपके पास तो वही आंकड़े जो रिपोर्टेड केसेस के हैं, तो उन लोगों के मन में कितना उनको लगेगा कि चलो केस या तो करेगी नहीं लड़की, या कर भी देगी, हमने उसको नहीं मारा, उसका मर्डर नहीं किया, किसी तरीके से केस हो भी गया तो सालों साल केस चलेगा और कुछ नहीं होने वाला, मैं पैसे खिला दूंगा, या कुछ अगर वो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल इंसान है तो उसको लगेगा कि कुछ नहीं होगा, मैं इसको चुप करा दूंगा और ये केस बंद हो जाएगा। तो हमें एक बहुत बड़े एग्जाम्पल्स की जरूरत है, एक डिटरेंट, एक समाज में एक भय की जरूरत है रेपिस्ट के दिमाग में। और एग्जाम्पल कैसे सेट होगा? एग्जाम्पल से सबसे पहले तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जिस बात का जिक्र सुनील कौशिक जी कर रहे थे, जिस शख्स का नाम गायत्री प्रसाद प्रजापति का जिक्र वो कर रहे थे कि योगी सरकार में भी अभी तक सजा के आसपास वो पहुंचा तक नहीं है, मगर जिस वक्त उसके ऊपर पूरा मामला शुरू हुआ, उसके चुनाव प्रचार के लिए आपकी पार्टी के मुखिया जाते हैं और पुलिस उसे दूसरी तरफ ढूंढ रही होती है, लोगों में कैसे विश्वास पैदा होगा? सारी पार्टियों को आम जनता एक ही नजर से देखती है। जब्बार जी, ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब भी उनको जानकारी मिली और प्रचार करने की बात रही तो दोबारा कभी पैरवी करने के लिए कहीं गया हो तो बता दीजिए। और सबसे पहली बात तो लोगों ने इनको केंद्र के सरकार को चुना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा देकर इन्होंने आए थे। क्या अभी भी इंतजार करना पड़ेगा? 10 साल 5 साल बीत गया, आप अपने अपराधी बारे में नहीं कहेंगे? नहीं नहीं, आप प्रजापति बारे में क्या कहेंगे? ये उसको वो उसने कहा दोषी है, सजा दिलवाए, कोई रोक रहा बताइए ना, कोई रोक रहा बताइए ना, रोक नहीं। आपका कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है, उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र से लेकर प्रदेश तक कानून व्यवस्था लचर थी, लचर कर दिया है। अनिल गोयल जी, अब अनिल गोयल जी, एक सवाल यहाँ पे बनता है, जब एक सवाल है, सुनिए मेरे सवाल को, मैं सवाल करता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हुए हैं, इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुष्कर्म का मामला, जिस बात को बार बार मीडिया के द्वारा भी लंबे समय तक उछाला गया, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड था जी। उसमें आपको यह संज्ञान में होना चाहिए, 2 साल तक लगातार सरकार में बैठे लोगों ने उनके ऊपर सीधा लांछन लगाया गया, और उसमें भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग थे, महिलाओं को निकालकर कंटिन्यूअसली 2 वर्षों तक बलात्कार किया गया। आज तक वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, गोयल साहब यहां बैठे हुए, आप कह रहे हैं सरकार क्रियान्वित कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुजफ्फरपुर के कांड की जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? अनिल जी, सर मैं तो आप जो कांड की जांच कर रहे हो, लेकिन मैं भी यो बात कह रहा हूँ, जो अपराधी होते हैं उनको इनाम देते हो, उनको उनके साथ खड़े होते हो। अरे सर वहाँ अरे सर सभी पार्टियों के साथ क्या आपकी पार्टी के साथ खड़े होते हो, मुझे ये नहीं पता चलता। जानकारी होनी चाहिए कि लगातार कई वर्षों से वहाँ आपका शासन है, और उसको पूरे हिंदुस्तान की मीडिया ने लंबे समय तक उछाला था, उसके बावजूद भी आपकी सरकार का एक भी व्यक्ति राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, कोई संज्ञान लिया ना कोई बयान दिया, से ऊपर उठना पड़ेगा ऐसी चीजों खत्म करने के लिए। नहीं तो हम राजनीति दोष किसका है? सरकार आपकी है, आप उनकी सपोर्ट करते होंगे ना? जो रैपिस्ट को इनाम देते हैं, उनको आप उनकी सपोर्ट करते हैं? अरे भाई मैंने आपसे पूछा तो सरकार स्वीकार कीजिए, प्रशासन पर खड़े हैं जो रेप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप उस पार्टी की सपोर्ट कर रहे हो और उस पार्टी के साथ खड़े हुए हो। अरे सर जो लड़कों से गलतियां हो जाती है, लड़कों से गलतियां हो जाती है, 2 वर्षों का
आपने भजन गाई, आपने एक आंदोलन किया बुलंद सिंह का, नहीं उनके आप समर्थन कर रहे हो, सिंह के खिलाफ इस बयान पे एक आंदोलन किया, आप बता दो सरकार बंद कर दो, अरे सब कुछ हम करेंगे उस बयान पे, मैं आने वाले आपने कार्यक्रम के इस कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंच रहे हैं, एक सेकंड, आपकी पार्टी ने गलत कार्य किया तो टिकट दे रहे हैं, हमारा जो काम करते रहे सारा आंदोलन व्यवस्था हम देंगे, बात करेंगे आपने आप सब रोका के मांग के कलम मुकदमा लगाने से इनाम देंगे, मैं क्या कह रहा हूं आप मतलब सब आप मुकदमा लगाने से किसी ने रोका, किसी ने रोका, आप तो कुछ किसी ने रोका, अनिल गोयल जी एक सेकंड, अनिल गोयल जी सवाल ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप लगाया जाए, सभी पार्टियां इसमें, आपको याद होगा कठुआ गैंगरेप का मामला, उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन चाहे मुलायम सिंह का वो बयान हो, चाहे शरद यादव का बयान हो, या फिर अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग बयान हो, मगर अलग अलग आपराधिक मामलों में अलग अलग पार्टियों के नेता खड़े रहे हैं, सम्मानित करते रहे, चाहे रेप के मामले हो या फिर दूसरे इस किस्म के नफरत फैलाने वाले मामले, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन सवाल यह कि जो चिंता देश की है, समाज की है, लोगों की है, महिलाओं के प्रति, उसमें सुधार कब आएगा? और ऐसे में रमेश ठाकुर जी, क्या अब एक बार फिर से नए मैकेनिज्म के बनाने की जरूरत है, क्योंकि 71 वर्षों में तो बदलाव तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल कोई दोहराए नहीं बनाने की जरूरत है, लेकिन मुझे लग रहा है ना, ये हिमांशी जी बहुत बढ़िया अभी बताया था इन्होंने, कानून में कोई कमी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अब जिस तरीके से प्रशासन ने निर्भया केस में 18 दिन में अपना काम पूरा कर दिया, चार्जशीट दाखिल हो जाती है, उसके बाद में अदालत का काम है, उसके बाद सिस्टम का काम है, नहीं हो पाया। ये इस मुद्दे पर जब पॉलिटिकल किसी पार्टी को जब बुलवाया जाता है तो मुझे लग रहा बहस बहुत लंबी हो जाती है, और हम तो यही मांग करते हैं ऐसे मुद्दे पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी मुलाजिम से बुलवाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना हमाम में सभी नंगे हैं। कोई ऐसी सिंगल पार्टी मुझे बता दो जिस पार्टी के दो चार लोग ऐसे इस कृत में ना फंसे हो। तो क्या ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने स्तर से शुरुआत एक नहीं करना चाहिए कि साहब हम ये देखो नजीर कायम कर रहे हैं, सभी पार्टियां ऐसे जब बारमिया नई जब पार्टियां उदय होती हैं, आम आदमी पार्टी बिल्कुल नई उदय होती है, उन्होंने बड़ा विकल्प के तौर पे कहा था कि हम तो ये करेंगे वो करेंगे, क्या होता है वहाँ पे भी एक उनके कार्यकर्ता ने एक सोनी नाम की लड़की के साथ बलात्कार करते हैं, उसके बाद में वो जमानत पे बाहर आते हैं, उसको इतना तंग करते हैं, उसको जहर अपने आप आत्महत्या करनी पड़ती है, तो व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, हम किसी पे ये उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग सारे बैठ के इस बड़े मुद्दे पे कोई हल निकालेंगे। किससे उम्मीद करें? किससे उम्मीद करें? देखिए सरकार चलाने वाले लोगों से ना उम्मीद करें, व्यवस्था बनाने वाले लोगों से ना उम्मीद करें, तो उम्मीद किससे करें? देखिए रवि और मैं एक एक चीज में चाहूंगा कि किसी भी पीड़िता का नाम लेने से बचा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस वैसे भी और दूसरे नजरिए से भी, मगर इन तमाम चीजों के बीच में अब प्रियंदा तोमर जी, इस पूरे मामले में जो कुछ हुआ अब तक हो चुका है, रोजाना ऐसी खबरें आती हैं, आप लोग लगातार जमीनी स्तर पर काम करते हैं, चूक आप लोगों की निगाह में सबसे ज्यादा कहां हो रही है? देखिए इसमें हमें पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, जैसा कि रमेश ठाकुर जी ने भी अभी कहा कि पूरी इच्छा शक्ति शासन को चाहिए, प्रशासन को चाहिए, और पुलिस सिस्टम को भी अकाउंटेबल और बनाना पड़ेगा, लीगल सिस्टम में भी जो हमारा क्रिमिनल लीगल जस्टिस सिस्टम है उसको भी और अधिक इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि 24 दिन में एक पॉक्सो का केस था, उसमें उन्होंने 25 वर्ष की सजा दे दी, वो एक बच्चे का केस था। दूसरी बात, समाज को बहुत अधिक नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की आवश्यकता है। मुझे याद पड़ता है कि जब हम छोटे होते थे तो गाँव में ये सिस्टम होता था कि जब कोई पुत्र 10-12 साल का भी अपने पिता के साथ, उस जमाने की बात करूँ, गांव में जाता था तो पिता उसको, जो गांव में लड़की होती थी, शादी होती थी, तो गांव में जितनी भी लड़कियां उसके आसपास की होती थी वहां उनके घरों में जाते थे, और जो भी उस समय का उचित वो होता था, सिस्टम होता था, उनको मिलाई करनी होती, जो वो करके आते थे, ये संदेश देते थे कि हमारी बहन है ये, तुम्हारी बुआ है ये, वो चीज़ें खत्म हो गई। बच्चे में 10 वर्ष की आयु से, 8-10 वर्ष की आयु से वो भावना उत्पन्न हो जाती थी। सरकार तो प्रशासन के साथ साथ समाज अपनी जिम्मेदारी भी निभाए, मगर प्रियंका राणा जी, क्या वाकई इच्छा शक्ति की कमी है? लेनी होगी अपनी समाज में, और इच्छा शक्ति नहीं है सरकारों में, प्रशासन में, पुलिस में, इसलिए इन चीजों पर अंकुश नहीं लग रहा? नहीं, आपने मेरे से पूछा है प्रियंका जी, प्रियंका जी
नहीं देखिए, टाइम बाउंड आपको रहना पड़ेगा, अगर आप ये नज़ीर पेश नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और जो ये बात कही है, तो ये संस्कार हमें बहुत पहले से दिए गए हैं, ऐसा नहीं है, और आपने खुद ही कहा कितने सालों से संस्कार दिए जा रहे हैं, तो संस्कार जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन जिनके संस्कार नहीं बदले जा सकते उनको तो सुधारना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की बनती है। बिल पार होने की तरफ आ रहा हूँ, ओपी सागर साहब, आमतौर पर बलात्कार केसेस में जो रिकॉर्ड सामने आते हैं उसमें करीब करीब 80-90% लोग रिश्तेदार, जानने वाले, रिश्ते में चाचा, मामा, भाई लगने वाले, यही सारे लोग होते हैं। बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिसमें ब्रूटली बलात्कार किया जाता है या जो असली बलात्कार होते हैं। इन तमाम चीजों पर अंकुश कैसे लगे? अंकुश तो वही है कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत FIR हो, उसके बाद में मुकदमा जो है इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो, फिर उसका ट्रायल जल्दी हो, और ट्रायल के बाद में जो भी सजा हो उसका एग्जीक्यूशन हो। यह जब तक नहीं हो पाएगा तब तक हम समझते हैं कि वो असर नहीं जा पाएगा समाज को। पहले ये अगर समाप्त करूं मैं तो ये कह सकता हूं कि देखिए, पहले समाज में सामाजिक शिक्षा ऐसी रहे कि घर परिवार के बच्चे ना बिगड़े, फिर उसके बाद में अगर कोई बिगड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए, और उसका प्रभाव इतना सख्त होना चाहिए, इतना जल्दी हो कि मैसेज चला जाए कि अगर इस प्रकार के, मगर इमीडिएट एक्शंस की अगर बात करें तो ऐसे में मनोज तिवारी जी, इमीडिएट एक्शंस क्या होने चाहिए जिसके बुनियाद पर चीजें? जब्बार जी, जुडिशियरी के तरफ से निर्भया कांड के बाद एक मामला आया था, जुडिशियरी ने कहा था, दरअसल कोर्ट जो है साक्ष्यों के आधार पर चलता है, तो साक्ष्य पुलिस को या तो नहीं मिल पाते हैं और या साक्ष्य जुटाने में बहुत देरी होती है, तो उसके लिए सुझाव दिया गया भी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही अलग अलग दिशा में आते हैं। मेरी बात को सुन लिया गया सुनील कौशिक जी, जब जो वक्त खत्म हो रहा सर, मैं जल्दी से 1 मिनट में पूरा करना चाहता हूं। दरअसल क्या था मामला, ये था, कहा गया था कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट और जो है उसके बाद फिंगरप्रिंट्स वगैरह फॉरेंसिक लैबोरेटरी की व्यवस्था करनी होगी। निर्भया फंड इसी वजह से दिया गया था कि फॉरेंसिक लैबोरेटरी बनाया जाए और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की, मगर वो फंड ही इस्तेमाल में आया ही नहीं सर। हाँ, कितना नहीं, फंड इस्तेमाल में आया? कौशिक जी, क्या कैसे इसको देखते हैं और अब क्या होना चाहिए? सिर्फ एक ही कहूंगा, मुझे रविशंकर सीसी रविशंकर का एक शब्द याद आ रहा है, जब किसी महिला ने यह पूछा कि हमने अपने बच्चे पर बहुत ध्यान दिया, बहुत संस्कार दिए, लेकिन फिर भी नहीं बदल पाए, तो उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे पर ध्यान दिया, अपने बच्चे के दोस्तों पर ध्यान नहीं दिया। जाहिर तौर पर ये भी एक बड़ा बिंदु है मान जी गौतम जी। एक और मैं आपको चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी यूपी के अलग अलग शहरों में जाके लीगल एम्पावरमेंट का काम करती हूं, तो जो मुझे बच्चियां बताती हैं, स्कूल की बच्चियां, तो दे टेल मी कि जो पहला ही अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है ना, जब आपको कोई स्टॉप करता है, कुछ कमेंट पास करते हैं, तो उसमें क्या ज्यादातर केसेस में लोग रिपोर्ट नहीं करते, और इसीलिए इन लोगों की हिम्मत बढ़ती है, बढ़ती है, हौसला बढ़ता है, और तभी जाके रिपोर्ट करें, और ऐसे में जागरूकता भी लोगों के बीच में फैलनी चाहिए, और उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। वक्त की समय सीमा यहाँ पर खत्म होती है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अनिल गोयल जी, मनोज तिवारी जी, रमेश ठाकुर जी, प्रेमदा तोमर जी, अशोक शाह जी, प्रियंका राणा जी, ओपी सागर साहब, हिमांजलि गौतम जी और सुनील कौशिक जी, आप लोगों ने वक्त निकाला, चूंकि एक बहुत ही अति संवेदनशील मसला है, और इसलिए सिर्फ तूतू मैमा के साथ में इस चर्चा के जरिए हम दरअसल इस चर्चा को यूं ही रायगा नहीं जाने देना चाह रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इन तमाम चीजों का हल क्या निकलेगा, इस समस्या का समाधान क्या है, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में कुछ बेहतर जरूर होगा, क्योंकि चर्चा को आम लोगों से लेकर के पुलिस प्रशासन और सरकार में बैठे हुए लोग भी देखते हैं। नमस्कार, खबरें जारी है।